इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर ऑन एक्जिशन ऑफ डेप्रिसबल और इंटेंजिबल एसेट सेक्शन ट्वेंटी सेक्शन टू इसको हैंडल करता है इसके मुताबिक अगर आप कोई भी ऐसा एसिट परचेज करते हैं जो कि डेप्रिसबल होता है और इंटेंजिबल एसिट होता है या आपने किसी बिजनेस के स्टार्टिंग से पहले प्री कमेंसमेंट जो है वो एक्सपेंस किए थे तो इनकम टैक्स आपको अलाउ करता है कि आप उसको डिडक्ट करवा सकते हैं और ये सारे के सारे प्रोविजन अवेलेबल हैं इनकम टैक्स अंडर सेक्शन ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव सेक्शन ऑर्डिनेंस 2001 में इसके बाद है जी इनकम एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अमलगेटेड कंपनी सेक्शन 20 सब सेक्शन ट्री इसको डिफाइन कर रहे हैं कि अमलगेटेड कंपनी क्या होती है बेसिकली अमलगेटेड का मायनिंग होता है यकजा होना जब भी कोई दो कंपनीज का मर्जर होगा तो डेफिनेटली दे विल डू सम एक्सपेंसेस जिसमें लीगल एक्सपेंसेस भी होंगे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं तो इनकम टैक्स आपको अलाउ करता है कि आप उन एक्सपेंसिस को डिडक्ट करवा सकते हैं आफ्टर बर्थ इस प्री एक्सपेंडिचर सेक्शन ट्वेंटी फाइव इसको हैंडल करता है प्री एक्सपेंडिचर वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि किसी भी बिजनेस के शुरू होने से पहले होते हैं वो चाहते उसमें आपकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ हो सकती हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप हो सकते हैं ट्रायल प्रोडक्शन हो सकती हैं एक्टिविटीज़ हो सकती हैं है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है अगर आप सैंपल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो भी आपके प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में आता है और आपको इनकम टैक्स लॉ अलाउ करता है कि आप उसकी डिडक्शन करवा सकते हैं प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की उन्होंने जो डिटेल दी हुई है उसमें सबसे सब पहले ये है कि आपके एक्सपेंडिचर जो हैं वो स्ट्रेट लाइन एमोटाइज होने चाहिए और प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से टर्ड कैजल उनको डील करता है और इसके अलावा ये कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर सिर्फ और सिर्फ जो है ना मतलब बिजनेस पर्पज के लिए होने चाहिए उसमें पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं होने चाहिए और इसके अलावा कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की जितनी भी लिमिट दी गई है वो टोटल एक्सपेंडिचर उसे एक्सीड नहीं करने चाहिए इसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर और इनको डील करता है सेक्शन ट्वेंटी सिक्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन ट्वेंटी सिक्स साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि आप नेचुरल इन्वामेंट के अंदर जो है वो रिसर्च करेंगे और यहाँ पर कोई जो भी पहले से एग्जिस्टेंस जो हैं लॉज हैं उनको अप्लाई करेंगे पाकिस्तान के प्रमिश के अंदर तो आपको सेक्शन ट्वेंटी सिक्स अलाउ करता है कि आप उन पर डिडक्शन ले सकते हैं अब कुछ कंडीशन है उसमें सबसे सब पहली कंडीशन क्या है कि इन एक्सपेंडिचर को पाकिस्तान के अंदर ही इनको होना चाहिए और ये एक्सपेंडिचर ख़ास तौर पे जो हैं वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए होने चाहिए कंट्रीब्यूशन इज़ मेड टू एन अप्रूव साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन और जितना भी आपने कंट्रीब्यूशन करना है आपने अपनी पेमेंट्स करनी है वो एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो एक्सेप्ट करता हो जिसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने अलाउ किया हो द इंस्टीट्यूशन अप्रूव बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि वो इंस्टीट्यूशन जो है उसको सी बी आर से अप्रूव होना चाहिए लिहाजा इसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंसिस हैं जो कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं हैं फॉर दजिशन ऑफ एनी एनीबल और इंटेंजिबल एसिट अगर आपने कोई ऐसा एसिड लिया है जिसकी वैल्यू डे बाई डे कम होती जाती है तो उसके ऊपर एक्सपेंस अलाउ नहीं है फॉर द एोजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और अगर आपने कोई इस तरह की प्रॉपर्टी परचेज की है जो कि इमूवेबल है जो कि फिक्सड है टेंजबल है तो उसके लिए भी डिडक्शंस अलाउ नहीं है फॉर दे असर्टिंग द एग्जिस्टेंस लोकेशन एक्सटेंट और क्वालिटी ऑफ अ नेचुरल डिपॉजिट तो कोई भी एक ऐसी नेचुरली चीज़ एक्स कर रही है उसके लिए आपने एक्सपेंसिस किए हैं तो उनको भी अलाउ नहीं करता उनको एंटरटेन नहीं करता इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसके बाद हम देखते हैं ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज जिसको सेक्शन जो है वो ट्वेंटी सेवन डील करता है तो कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि एम्प्लॉज हैं उसकी फैमिलीज़ को एंटरटेन करने के लिए उनको हेल्प आउट करने के लिए बनाई गई हैं जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं तो उनको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अलाउ करता है कि वो अपने लिए एक्सपेंसिस जो हैं वो अपने डिटेक्ट करवा सकते हैं लेकिन वो किस हद हाँ तक किस लिमिट तक वो अब हम देखेंगे इसमें सबसे पहले आता है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल तो कोई भी अगर आपने एक्सपेंस ऐसा किया है कि यहाँ आपने एजुकेशन पे किए हैं या आपने हॉस्पिटल पे किए हैं ठीक है जिससे फ़ायदा कौन होगा जिससे मुस्तफ़ी जो हैं फैमिलीज़ होंगी जिससे मुस्फ़ी एम्प्लॉज होंगे और उनके डिपेंडेंट्स उनकी फैमिलीज होंगी तो सी बी आर जो है सी बी आर और इनकम टैक्स आपको अलाउ करता है कि आप उस पर डिडक्ट करवा सकते हैं एक्सपेंसिस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोई भी पाकिस्तान का ऐसा इदारा जो कि पाकिस्तान में सनती ट्रेनिंग देता है ताकि लोगों को इस काबिल किया जा सके कि वो अपने लिए एक अच्छी लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर लें तो और वो लेकिन कंडीशन यही है कि वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए वो विचर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरटी से अप्रूव होना चाहिए फिर उसको डिडक्शन के अलाउ किया जा सकता है एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग ऑफ एनी पर्सन कोई भी ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान का शहरी है ठीक है वो इससे मुस्तफीद हो सकता है अगर आपने उसकी ट्रेनिंग के लिए उसको कोई चीज़ हुनर सिखाने के लिए कुछ भी एक्सपेंस किए हैं तो सी बी आर इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि आप उनके लिए डिडक्शन दे सकते हैं उसके बाद हम देखते हैं प्रॉफिट ऑन डेट फाइनेंशियल कॉस्ट एंड लीज पेमेंट्स इसको सेक्शन ट्वेंटी एट डिफ़ाइन करता है वो कहते हैं एनी एक्सपेंडिचर इनकट बाय अ पर्सन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर शेल बी अलाउड अ डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस इफ़ इट रिलेटेड टू नीचे जितने भी एक्सपेंसेस बताए गए हैं अगर उनमें से कोई भी एक्सपेंस ऐसा है जो कि बिजनेस से रिलेट कर रहा है तो उनको लिए डिडक्शन की इजाज़त मिल सकती है इसमें सबसे पहले आता है एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉफिट ऑन डेट तो अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई भी ऐसा डेट लिया हो या अगर आपको जरूरत पड़ गई है आपका कैपिटल कम हो गया और आपने कोई भी डेट लिया और उसके ऊपर आप प्रॉफिट पेड कर रहे हैं बैंक को तो इनकम टैक्स आपको अलाउ करता है कि आप उसके ऊपर जो है डिडक्शन ले सकते हैं सेकेंड पॉइंट इज लीज मनी पेड अगर आपने कभी कोई अपनी चीज़ मॉडेज करवा के लीज करवा के अपने पैसे लिए हुए थे बैंक से और आपने उन पैसों को वापस किया आपने उनको रिफंड किया किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मुदारबा को तो सी जो है आपको अप्रूव करता है कि आप अपने बिहाफ पे सेकेंड पॉइंट इज लीजिंग मनी पेड तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो अलाउ करता है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है कोई भी ऐसा कैजल बैंक है या मुदारबा कंपनी है जो कि उनके साथ अप्रूव्ड है और आपने उनसे लीज़ करवाया हुआ कोई भी ऐसा एसेट जिसको आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अलाउ करेंगे कि जब आप वो पैसे वापस करेंगे लीज ख़त्म करेंगे और लमसम अमाउंट पे करेंगे तो आप उसके ऊपर डिडक्शन ले सकते हैं इसके बाद कोई भी ऐसी अमाउंट पेमेंट मेड टू मुदारबा एनी अमाउंट पे टू मुदारबा और पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट होल्डर फॉर एनी फंड्स बोरड फॉर द पर्पज़ ऑफ़ बिजनेस आपने किसी भी तरह के कोई भी टर्म सर्टिफिकेट अपने बिजनेस के लिए बॉरू किए हैं तो यू आर अलाउड टू गेट डिडक्शन ऑन योर मनी इसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट बाय अ बैंक तो अगर बैंक ने कोई भी अपनी जो है पेमेंट की हुई है या किसी पर्सन ने उनके पास अपने क्रेडिटेड अमाउंट है या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट करवाया हुआ है जो कि उनके पास प्रॉफिट जितना भी आएगा वो मजीद उन्हें फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना है अगर हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जितनी भी फिर बैंक के पास डिपॉजिट होगा इस पर्पज़ के लिए तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उनको अलाउ करता है कि वो उसके ऊपर जो है वो टैक्स अवेल कर सकती हैं टैक्स डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं आफ्टर वर्ड इज पेमेंट बाय अ हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन हाउस बिल्डिंग एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अगर स्टेट बैंक को अपने प्रॉफिट्स जितने भी अर्न किए हैं उसके लिहाज से कोई सी भी पेमेंट कोई सी भी पेमेंट अगर उन्होंने की हुई है तो इनकम टैक्स उनको अलाउ करता है कि वो उसके ऊपर डिडक्शन हासिल कर सकती हैं इसके बाद आता है पॉइंट पेमेंट बाय नेशनल डेवलपमेंट लीजिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड याद रखें कि यहाँ पे हम जो है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि नेशनल डेवलपमेंट लीजिंग कॉरपोरेशन जो है उन्होंने अपना अगर कोई भी प्रॉफिट अर्न किया है उन्होंने कोई भी अपना प्रोजेक्ट जो है वो फाइनेंस आउट किया था या उन्होंने कोई भी लीज आउट किए हुए हैं प्रोजेक्ट्स तो उसके ऊपर उनको जितना भी प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है उनमें से वो कुछ प्रपोर्शन उसका स्टेट बैंक को दे रहे हैं तो उनको इस चीज़ की रिबेट के लिए अलाउ करता है इनकम टैक्स कि वो अपने टैक्स के ऊपर थोड़ी बहुत डिडक्शन हासिल कर सकते हैं इसके बाद आती है पेमेंट अंडर मुशारका स्कीम अगर कोई भी अमाउंट आपने पे की है किसी भी मुशारका स्कीम के अंदर और आपको पता है कि मुशारका इज़ ए पार्टनरशिप काइंड ऑफ पार्टनरशिप मोड इन इस्लामिक फाइनेंसिंग तो उसके अंदर जितने भी प्रॉफिट्स प्रौ, आए हुए हैं तो आप उसके ऊपर जो है वो डिडक्शन ले सकते हैं इसके बाद आता है पॉइंट पेमेंट तो मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर अगर कोई भी मुशारका ऐसी स्कीम है जो कि मुदारबा कंपनीज ऑर्डिनेंस 1980 से अप्रूव्ड है और इसके अलावा इनकम टैक्स से भी अप्रूव्ड और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से अप्रूव्ड है तो इनकम टैक्स अलाउ करते हैं कि वो मुशारका स्कीम होल्डर जो है उसके पास जो भी सर्टिफिकेट उसने होल्ड किया हुआ हो है और उसके अगेंस्ट वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो अपने लिए डिडक्शन अवेल कर सकता है उसके बाद आते हैं कॉस्ट ऑफ स्पेशल पर्पज़ व्हीकल स्पेशल पर्पज़ वहीकल बेसिकली ऐसे होते हैं कि कोई भी कंपनी अपनी एक टेम्परेली सब्सिडी कंपनी क्रिएट कर लेती है जहाँ पे वो अपने फाइनेंस इन्वेस्ट कर लेते हैं अपने बैकअप के लिए तो अगर आपने कोई किसी भी कंपनी ने अगर पेरेंट कंपनी ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल या एंटिटी क्रिएट कर ली है अपने आप को सिक्योर करने के लिए तो वो अलाउ करते हैं कि आप उसके ऊपर जो है वो डिबेट डिबेट हासिल कर सकते हैं स्पेशल बॉपस व्हीकल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक पेरेंट कंपनी अपने रिसीवेबल्स जो होते हैं उनसे पैसे लेके उनसे कैपिटल अपना कलेक्ट करके उनको औरिजिनली आगे इन्वेस्ट कर देती है तो इसलिए इनके दरमियान डिफरेंस होता है और इसको अलाउ किया जाता है इनकम टैक्स के अंदर कि इनको डिडक्शन दी जा सके इसके बाद हमारा बैड डेट्स का टॉपिक आता है कि बैड डेट्स आपको पता है कुछ इस तरह के डेट्स होते हैं कि जो कि बिल्कुल ही डूब चुके होते हैं और जिनका कोई चांस नहीं होता है कि उनको अवेल किया जा सके तो जब बैड डेट्स हो जाते हैं तो फिर उनको कैसे ट्रीट किया जाता है तो सेक्शन ट्वेंटी नाइन इनको बताता है कि आपने बैड डेट्स अगर किसी भी कंपनी के साथ हो जाते हैं किसी इनकम फ्रॉम बिज़नेस के अंदर कि अगर कोई बंदा बिज़नेस में इन्वॉल्व है तो वो कैसे उसको फिर टैक्स के नेट के अंदर लेके आ सकता है बैड डेट्स की जितनी भी अमाउंट आपने रिसीव की हुई है आपको उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी भी है आप उसको चार्ज हमेशा इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही टैक्स के अंदर जो है उसको चार्ज करेंगे सेकेंड वन इज़ आपका जितना भी बैड डेट का पार्ट है आपने उसको उसी ही टैक्स ईयर के दौरान जो है वो पे ऑफ करना है या आपने डिकलेयर करना है कि मेरे ये बैड डेट्स डिक्लेयर हो गए हैं मुझे ये अमाउंट रिसीव नहीं हुई है और यहाँ पे कुछ रीज़नेबल ग्राउंड्स होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अगर दोमा पैसे नहीं मिले और आपने उनको बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं एटलीस्ट लिमिट कुछ होनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि ये फिर ही बैड डेट्स बनेंगे अदरवाइज़ आप नॉर्मली अगर आपको पेमेंट्स डिले हो रही हैं तो आप उनको बैड डेट्स का नाम नहीं दे सकते हैं और अगर इन केस आपके बैड डेट्स कभी रिकवर हो जाते हैं आपको बैड डेट्स के ऊपर कभी पैसे मिल जाते हैं वापस वो रिकवर हो जाते हैं आपके जो डेटर्स हैं वो आपको पेमेंट कर देते हैं तो आपने उसको कैसे टैक्स के अंदर ट्रीट करना है आपने उनको ऐसे ट्रीट करना है कि जितने भी आपकी अमाउंट आई है आपने उनको जो है वो डिक्लेयर करना है उसी करंट टैक्स ईयर के अंदर जिसके अंदर आपने उस पेमेंट को रिसीव किया उसके बाद आपको इनकम टैक्स अलाउ करता है कि अगर आपके जितने भी बैड डेट्स डिक्लेयर हुए हैं और आपको जो अमाउंट अगर थोड़ी बहुत रिसीव हुई है उन दोनों के दरम्यान जितना भी डिफरेंस आ रहा है आप उसके ऊपर डिडक्शन अवेल कर सकते हैं और उनमें से जो भी अमाउंट कम होगी उस पर आप डिडक्शन लेंगे और उसी ही ईयर के अंदर लेंगे जिसमें आपने अमाउंट को रिसीव किया है इसके बाद आ जाती है बैंक्स के लिए कि अगर रिकॉर्डिंग कंज्यूमर लोन की अगर हम बात करें क्योंकि इस वक्त हम इनकम फ्रॉम बिज़नेस की बात कर रहे हैं और उसके अंदर बैंक भी आते हैं क्योंकि बैंक बिजनेस करते हैं तो अगर कोई भी ऐसा बैंक है जो कि नॉन फाइनेंसिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कर रहा है या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का ऑपरेशन कर रहा है और वो कंज्यूमर्स को लोन प्रोवाइड कर रहा है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उनको अलाउ करता है कि वो थ्री परसेंट तक जो है वो कंज्यूमर लोन्स जो उन्होंने दिए हुए हैं उसके ऊपर जो है वो डिडक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर रिजर्व ले सकते हैं क्योंकि उनमें एक चांसेस होता है कि बैड डेट्स होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि मे बी आपका कंज्यूमर काबिल ना हो कि वो आपको लोन रिटर्न कर पाए तो इसलिए उनको जो है इनकम टैक्स अलाउ करता है कि उनका थ्री परसेंट तक जो है वो डिडक्शन मिल सकती है जितनी भी उनकी अर्निंग होगी और अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई बैड डेट्स डिक्लेयर हो गए हैं तो बैड डेट्स को कभी भी जो है वो पूरी तरह ही मुकम्मल तौर पे आप डिडक्ट नहीं करवा सकते कि मेरे कुछ अमाउंट थी लट सपोज़ एक कोई वन करोड़ अमाउंट थी वो बैड डेट हो गए हैं तो मैं पूरी तरह एक ही साल के अंदर मैं उनको टैक्स में डिक्लेयर करवा लूँ ऐसा नहीं होगा जितनी भी आपकी नॉमिनल अकाउंट बनेगी आप उसको करेंगे और नेक्स्ट फिर आप आगे अगले साल में फॉरवर्ड करेंगे और उनको फिर एडजस्टमेंट करते जाएंगे अपने रिजर्व्स के अगेंस्ट तो ये इस तरह से फिर क्लियर होगा इसके अलावा सेक्शन थर्टी डिफाइन करता है कि अगर कोई भी ऐसे नॉन परफॉर्मिंग डेट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी हैं या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं अगर कोई भी वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो यहाँ वो अपने सस्पेंस अकाउंट जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ था उसके मत के अंदर अगर वो कोई भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो इनकम टैक्स उनको अलाउ करता है कि वो जो है डिडक्शन ले सकते हैं आंटे वो स्टेट बैंक की कोई भी वायलेशन ना करें हो और सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन को भी इसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो वो इनकम टैक्स की डिडक्शन ले सकते हैं लेकिन कंडीशनस यही हैं कि वो डिडक्शन उसी साल के अंदर ली जाए जिस साल में वो प्रॉफिट्स अर्न किए गए हैं इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास सेक्शन थर्टी वन डिफाइन करता है कि अमाउंट ट्रांसफ़र टू द पार्टिसिपेटरी रिजर्व सबसे पहले बात यह है कि पार्टिसिपेटरी रिजर्व क्या होता है कि इस तरह का रिजर्व होता है कि जो कि कंपनी खुद क्रिएट करती है ताकि हमारी जो भी उनकी पेमेंट्स होती हैं वो उसको मीटअप कर पाए तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ कंडीशन हैं कि आप पार्टिसिपेटरी रिज़र्व अगर किसी भी फॉर्म ने कोई बैंकिंग है या कोई भी एम एनसीज है अगर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है तो उनको अलाउ किया जा सकता है डिडक्शन के लिए लेकिन कंडीशन ये है कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि अमाउंट ट्रांसफर अंडर कंपनीज़ ऑर्डिनेंस क्या आपने रूल्स को वॉयलेट नहीं करना आपने कंपनीज ऑर्डिनेंस नाइन को जो है वो फॉलो करना है और आपका जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कम वो ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर डिफाइन हुआ होना चाहिए और आपके पास रिडीमेबल कैपिटल होना चाहिए ऐसा कैपिटल होना चाहिए जो कि आप इन टर्म्स ऑफ कैश या इन टर्म्स ऑफ शेयर्स जो हैं उसको ट्रांसफ़र कर सकें सेकेंड वन इज़ आपने जो भी डिडक्शन लेनी है वो फाइव परसेंट से ज़्यादा वैल्यू की नहीं होनी चाहिए आप फाइव परसेंट के लिए ही क्वालिफाई करते हैं लेकिन इन केस अगर आपकी जो डिस्काउंट है आपकी वैल्यू जो है वो फाइव परसेंट अलाउ है और आप वो बढ़ जाती है टेन परसेंट से एक्सीड कर जाती है अगर आपकी वैल्यू जो है वो टेन परसेंट से एक कर जाती है तो फिर आपको कोई भी जो है वो डिडक्शन अलाउ नहीं होगी ना ही आपके पार्टिसिपेटरी रिजर्व के ऊपर और ना ही आपके रिडीमेबल कैपिटल के ऊपर कि आपका एक ऐसा कैपिटल है जिसको आप इन टर्म्स ऑफ मनी और शेयर्स यू कैन रिडीम यू कैन एक्सचेंज तो उसके ऊपर फिर आपको इनकम टैक्स वाले कोई भी जो है वो डिडक्शन नहीं देंगे लास्ट वन इज़ एक्यूमिलेशन इंक्लूडेड इन बिज़नेस और अगर आपने अपना पार्टिसिपेटी रिजर्व जो है वो जिस पेमेंट के पर्पज़ के लिए बनाया था उसके आप उसको उसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं लेट सपोज़ आपने अगर उससे आगे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है तो उससे आने वाली तमाम इनकम को आप इनकम फ्रॉम बिज़नेस के अंदर जो है वो कैटेगराइज़ करेंगे इसके बाद हम बात करते हैं वर्कर्स वेलफेयर फंड की सेक्शन 60 ए इसको डिफाइन करता है कि कोई भी एक ऐसी अमाउंट है जो कि किसी एम्प्लॉय ने अपने वर्कर्स की वेलफेयर के लिए कोई भी फंड क्रिएट हुआ है उसके अंदर दी है ऐड की है तो वो अपनी सोर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और इसके ऊपर टैक्स डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड तो अगर कोई भी वर्कर जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो सेक्शन सिक्सटी बी इसको डिफाइन करता है वो कहते हैं कि आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड वन और फिर फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड फोर जो आया था उसके अंदर जो है आप इस डिडक्शन को अवेल कर सकते हैं तो ये तो वो डिडक्शन थी जो कि अलाउ कर रही थी बैंक्स को इंडिविजुअल्स को एमसीज को जो कि हैंडल कर रही हैं जिनका सोर्स इनकम फ्रॉम बिजनेस है इसके बाद हम करते हैं कि कुछ ऐसी डिडक्शन्स हैं कि जिनको बैंक अलाउ इसके बाद हम बात करते हैं कुछ डिडक्शंस हैं जो कि अलाउ नहीं है और इनको सेक्शन ट्वेंटी वन डिफ़ाइन करता है जिसमें सबसे पहले आती है कि सेस रेट टैक्स सेस बेसिकली क्या होते हैं सेस एक तरह की रिबेटी होती है एक तरह की छोटी होती है लीवी होती है रिलैक्सेशन होती है तो वो कहते हैं कि कोई भी ऐसे अपने सेक्शन ट्वेंटी वन इनको बताता है अगर आपने कोई भी अमाउंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर अवेल किए है प्रॉफिट एंड गेंस के मत में या इनकम फ्रॉम बिजनेस के मत में आपको कोई छूट मिली हुई है कोई रिलैक्सेशन मिली हुई है तो आप उसको यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते आप उसको दोबारा से टैक्स डिडक्शन में अवेल नहीं कर सकते हैं सेकेंड वन इज़ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स तो सेक्शन ट्वेंटी वन बी इसको बताता है कि कोई भी टैक्स आपका सोर्स में जैसे सपोज एक सैलरीड पर्सन की इनकम जो है वो सैलरी आते साथ ही डिडक्ट होके आती है तो उसको रिडिडक्ट नहीं किया जा सकता तो इसी तरह से जो है वो कोई भी ऐसा सोर्स अगर आपने किसी और सोर्स के अंदर आपने प्रॉपर्टी के अंदर टैक्स को डिडक्ट करवा लिया तो आप उसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं कर सकते कभी कि भाई आपका बिज़नेस है प्रॉपर्टी का तो इस तरह से एक ही सोर्स पे आपका टैक्स डिडक्ट होगा पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट इसके अंदर आपने अगर किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन को सैलरी रेंट कोई भी ब्रोकेज या किसी तरह की कमीशन या उसका प्रॉफिट एंड डेंट था या प्रॉफिट फॉर सर्विसेज थी तो अगर आपने वो पे की हैं तो आप उसके लिए डिडक्शन नहीं ले सकते हैं सेक्शन ट्वेंटी वन सी इसको कहता है कि आप उसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अलाउ नहीं करता है कि आप उसके ऊपर टैक्स नहीं मिलेगा टैक्स की छूट नहीं मिलेगी उसके बाद आ जाते हैं जी ट्वेंटी वन डी बताता है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है हर इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कि आने वाले लोगों के लिए एक्सपेंस किए जाते हैं लेकिन अगर आपको वो प्रस्क्राइब लिमिट किस लेट सपोज आपको टेन थाउजेंड पर मंथ जो है वो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला हुआ है कि आपके पास जो भी गेस्ट आ रहे हैं विजिटर्स आ रहे हैं ऑफिशियली आप उनको जो है वो एंटरटेन करें उनको टी वग़ैरह ऑफ़र करें तो अगर वो आपकी उस लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको कोई भी टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी इसके बाद है सम पे टू ऑन अप्रूव अनअप्रूव फंड सेक्शन ट्वेंटी वन ये बताता है कि अगर आपने जो है कोई भी ऐसा अन अप्रूव फंड है जो सुपर इनोवेशन फ़ंड हो सकता है पेंशन फ़ंड हो सकता है जो कि कंपनीज़ से अप्रूव नहीं है जो कि आपके इनकम टैक्स अप्रूव नहीं है कमिश्नर उसको अप्रूव नहीं कर रहा इनकम टैक्स का आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया वहाँ पे फंडिंग करी जा रहे हैं और आप अलाउ कर आप जा रहे हैं इनकम टैक्स के पास कि मुझे अलाउ कर दें कि मैंने तो इतने पैसे मैं हर मंथ और एनअली जो है मैं फ़ंड में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं तो ये ऐसा नहीं होगा किसी भी अन अप्रूव फ़ंड के अंदर जो है वो इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता कि आप उसके लिए डिडक्शन लें